हेलो एवरीवन, माय नेम इज मिस्टर शैडो। तो आज देखिए, हम लोगों को काफी अच्छा फीडबैक्स आया है। हम लोगों ने अपने फीडबैक्स मांगे थे, तो जैसे कि हमने चेक किया, तो देखिए आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर हमें किस तरीके से फीडबैक आया। आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया और इतना प्यार दिखाया, उसके लिए हम आपका शुक्रिया करते हैं। और आप लोग हमारे साथ इसी तरीके से बनी रहिए, हम आपको एक से एक बेहतरीन कंटेंट ला के देंगे एसएमसी के बारे में। जितना हो सकता है हम आप लोगों को क्या करेंगे, डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग प्यार दिखाते रहिए और हम अपनी वीडियोज आपके लिए नए नए लाते रहेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक क्या है, तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है वैलिड पुल बैक। क्योंकि अगर आप लोगों को वैलिड पुल बैक के बारे में नहीं पता होगा तो आप लोग कभी भी मार्किंग नहीं कर पाओगे। बिकॉज मार्किंग क्यों नहीं कर पाओगे, सबसे पहले ये बात याद रखनी है आपको, मार्किंग आप लोगों की इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि अगर आपने यही सही नहीं करा, सबसे पहले इसी को सही तरीके से नहीं लिखा, मतलब हाई एंड लो ही आप लोगों ने गलत मार्क किया है, तो आप इंड्यूसमेंट और वो नहीं ले पाओगे, कभी भी ड्रॉ नहीं कर पाओगे हाई एंड लो। तो वो बात आपको याद रखनी है कि आप लोगों को पुल बैक देखना जरूरी है। तो चलिए हम पुल बैक की तरफ पढ़ते हैं। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, डायग्राम में हम देख सकते हैं कि मार्केट हमारा अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में जाने के बाद बहुत से लोगों को क्या गलती करते हैं, लोग देखते हैं कि अगर मार्केट ने एक अपोजिट कैंडल्स बनाई है, मार्केट ने क्या बनाई है, अपोजिट कैंडल्स, मार्केट ये अपोजिट कैंडल बनाई है मार्केट ने, जब तो ये क्या हो गया, पुल बैक हो गया, ये वाला पुल बैक, ये वाला पुल बैक, ये वाला। तो लोगों का जो ड्रॉ करने का तरीका है, कुछ लोग इस तरीके से क्या करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। तो आई होप आप सब समझ रहे होंगे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। देखिए कभी भी याद रखना है, कैंडल्स का कलर मैटर नहीं करता है। अगर आप सोचते हो कि अगर हमारी कंटिन्यू ग्रीन कैंडल्स बन रही है और एक रेड कैंडल बन गई तो मार्केट ने क्या करा, वहां पुल बैक ले लिया है, तो वो चीजें आपको कभी भी नहीं दिमाग में लानी है। तो चलिए जानते हैं कि जो रियल पुल बैक होता है उसको किस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं और किस तरीके से हम उसको देखते हैं। देखिए जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, मार्केट क्या हुआ, मार्केट हमारा इस लेवल से स्टार्ट हुआ, मार्केट ने क्या किया, इस लेवल तक हाई लगाया, मार्केट ने क्या करा, इस लेवल तक हमारा हाई लगा। हाई लगाने के बाद जनरली हम लोग चेक करेंगे कि मार्केट ऊपर तो गया है, क्या मार्केट नीचे आया है, जी हाँ, मार्केट क्या हुआ, यहाँ से नीचे आया, ये नीचे आया। बट ये नीचे कब देखेंगे हम, ये नीचे आया है तो इसको हम नीचे किस तरीके से लेंगे, जो ये नीचे आया है आपका मार्केट उसको नीचे हम क्यों देखें। सिंपल से आप देखिए सबसे हाईएस्ट कैंडल कौन सी है, अभी इस बात को ध्यान से समझना तभी आप लोगों क्या होगा, ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर आप लोगों ने ध्यान से नहीं देखा तो आप लोगों के सिर से ऊपर ही जाएगा, इसको थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि काफी मेन टॉपिक है। तो देखिए पुल बैक में आपको देखना है कि मार्केट यहाँ से ऊपर आया, सबसे हाईएस्ट कैंडल कौन सी, अभी फिलहाल आप ये वाले है। और इधर आप देख सकते हो किसी ने भी किसी का लो नहीं लिया है, तो सबसे हाईएस्ट कैंडल ये है और इसका लो कहाँ है, ये इसका लो है। तो अगर इसको हम आगे ड्रॉ करेंगे, क्या किसी भी कैंडल ने इसका लो लिया है, तो अगर आप इधर देख सकते हो किसी भी कैंडल ने इसका इधर लो नहीं लिया, हाँ अगर ये लो लेता तब ये पुल बैक होता, बट ये कैंडल्स क्या है आपकी सारी की सारी इनसाइड है। इसका क्या मतलब है, मार्केट आपका यहाँ से किस तरीके से गया, मार्केट आपका सीधा कुछ इस तरीके से क्या हुआ है, गया। जाने के बाद आप लोग देख सकते हो मार्केट ने क्या किया है, एक पुल बैक ये लिया। अभी आपको बताया था ना शुरू में कि कैंडल्स कोई भी मैटर नहीं करता है, तो मैं आपके सामने अब ड्रॉ करता हूँ जो मार्केट हमारा गया है किस तरीके से गया। देखिए तो जो हमारा मार्केट का वे है वो हमारा मार्केट कुछ इस तरीके से गया है। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। देखिए सबसे पहले याद रखना है मार्केट ने क्या किया है, इधर कोई सी भी कैंडल का लो नहीं लिया, इसने भी इसका लो नहीं लिया, इसका भी किसी ने लो नहीं लिया एंड इसका भी किसी ने लो नहीं लिया, बट इधर क्या हुआ, इसका हाई ले लिया। बट हाँ अगर क्या होता, ये कैंडल इसका हाई ले लेती, क्या होता, ये कैंडल इसका हाई ले लेती कुछ इस तरीके से, तो ये पुल बैक होता क्योंकि सबसे हाईएस्ट कैंडल कौन सी हमारी, ये वाली। तो अगर इसका लो ले लिया तो इसका क्या मतलब हुआ, आप लोगों का मार्केट ने पुल बैक क्रिएट कर लिया। तो ये चीजें याद रखनी है आप लोगों को कि पुल बैक किस तरीके से देखना है, कि मार्केट क्या करे, एटलीस्ट प्रीवियस कैंडल का लो ले, और कलर कोई मैटर नहीं करता। जैसे कि आप देख सकते हो इधर दोनों ब्लू कैंडल से मार्केट ने क्या किया, इसका लो ले लिया, मार्केट ने क्या किया, इसका लो यहाँ पे ले लिया, इसका मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे लो को ले लिया। तो कलर कोई मैटर नहीं करता, जरूरी नहीं है अगर आपको ब्लैक कैंडल्स ऐसे दिखने लगे, मतलब बेयरिश कैंडल आपको दिखने लग गया बुलिश मार्केट में, तो उसका वो मतलब नहीं कि मार्केट ने वहां क्या गया है, बेस बनाया या मार्केट ने आपका पुल बैक लिया है। तो हमेशा एक बात याद रखना है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में तो आपको क्या देखना है, कलर डजेंट मैटर, आपको देखना है सबसे पहले कि मार्केट क्या करे, हमारा एटलीस्ट प्रीवियस कैंडल जो आपकी पिछली कैंडल, जैसे कि यहाँ पे अभी देख सकते हो आप ये वाली कैंडल थी प्रीवियस, तो इस करंट कैंडल ने क्या करा, इसका लो लिया, इसका क्या मतलब, मार्केट ने पुल बैक यहाँ पे लगाया। देन उसके बाद अब हमें क्या देखना है, नेक्स्ट कैंडल ये अपनी हाईएस्ट, ये
ये तो इसकी इनसाइड डेट है। इसका हाई किसने तोड़ा? इसका हाई तोड़ा इस वाली कैंडल ने। इसका हाई किसने तोड़ा? इस वाली कैंडल ने इसका हाई तोड़ा। सबसे हाईएस्ट कैंडल ये थी, इसका भी हाई तोड़ा इस कैंडल है, तो इस कैंडल का सबसे हाईएस्ट था। और अगर पुल बैक लेना है तो किस कैंडल का लो लेना है? जो सबसे हाईएस्ट कैंडल है, तो ये कैंडल सबसे हाईएस्ट थी। इसका मार्केट ने क्या किया? लो लिया। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे मार्केट ने एक पुल बैक क्रिएट किया है। करने के बाद मार्केट कंटिन्यू डाउन भी आ सकता है और वापस अप गया, तो आपके लिए क्या देखना है आपको कि जो सबसे लो है, सबसे लो ये कैंडल थी, क्योंकि सबसे डाउन अभी यही है, इसने इसका लिया था, तो सबसे डाउन वाली ये कैंडल है। इस कैंडल का जैसे हाई ब्रेक, उसका क्या मतलब हुआ कि मार्केट ने यहाँ से वापस पुल बैक अप की तरफ कर लिया है। तो आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ और किस तरीके से हम अपनी मार्केट को ड्रॉ करते हैं। और सेम अगर हम इसको डाउन ट्रेंड में देखते हैं, डाउन ट्रेंड में भी सेम इसी तरीके से हम लोगों को फाइंड करना है मार्केट क्या करे, प्रीवियस कैंडल का अपना हाई ले। प्रीवियस कैंडल का अगर मार्केट अपना हाई लेता है तो ही वो पुल बैक होगा। कलर आपको भी बता रहा हूँ मैटर नहीं करता है। और जैसे कि आपको इधर बताया, इधर ये पुल बैक नहीं है, बट ये पुल बैक कब होता है? क्योंकि अब क्या हुआ है, मार्केट ने क्या किया, इसका लो लिया था। और सबसे लोएस्ट कैंडल कौन सी है? हमारी सबसे लोएस्ट कैंडल है ये वाली हमारी सबसे लोएस्ट कैंडल है। मार्केट ने क्या करा, इस कैंडल का हाई ले लिया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मार्केट यहाँ से डाउन आया, डाउन आने के बाद मार्केट ने ये सबसे हाई गया, हाई जाने के बाद इसका लो ले लिया, कंटिन्यू लो लिया, किसी का भी कोई हाई नहीं ले रहा, कंटिन्यू डाउन डाउन डाउन। डाउन आने के बाद क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, अगर आप देख सकते हो मार्केट ने इधर हाई लिया, प्रीवियस कैंडल हाई लिया, तो ये क्या हुआ, पुल बैक। कलर मैटर नहीं करता कि इधर बुलिश ही कैंडल हो, बियर इसमें रेड भी अगर लेता तो पुल बैक है। उसके बाद क्या हुआ, इसका लो इस कैंडल ने लिया, इसका लो इस कैंडल ने लिया, और इस कैंडल का हाई यहाँ पे ले लिया, और इसका हाई इसने लिया। और अभी तक गारंटी क्या नहीं थी कि ये नीचे ही आया, सीधा भी जा सकता था, बट क्या हुआ, मार्केट ने इस कैंडल का इधर लो ले लिया। उसका क्या मतलब हुआ, मार्केट हमारा नीचे ही तरफ आ गया है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम अपना वैलिड पुल बैक को फाइंड करते हैं। आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ और किस तरीके से हम इसको फाइंड करते हैं। चलिए हम चार्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो आप लोगों को क्या होगा, काफी इजी वे से समझ आएगा। तो देखिए हम पहले यहाँ से आते हैं, यहाँ से हम देखते हैं मार्केट का जो वे है, मार्केट हमारा जो वे है मार्केट का, आप देख सकते हो मार्केट अभी हमारा यहाँ से डाउन था। डाउन आने के बाद सबसे लोएस्ट कैंडल कौन सी थी? हमारी ये। तो ये अगर हमारी सबसे लोएस्ट कैंडल है तो मार्केट ने क्या किया, क्या मार्केट ने इस कैंडल का हाई लिया? जी हाँ, मार्केट ने क्या किया, इस कैंडल का हाई लिया है। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से मैं ड्रॉ करते हुए आता हूँ, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, मार्केट ने लिया इस कैंडल का हाई लिया, किसी ने भी किसी का लो नहीं लिया, कंटिन्यू मार्केट अप गया। अब अप जाने के बाद सबसे हाईस्ट कैंडल कौन सी हमारी? ये वाली सबसे हाईस्ट कैंडल हमारी थी। ये वाली क्या थी हमारी? सबसे हाईस्ट कैंडल हमारी थी ये वाली। तो अब क्या हुआ है, मार्केट ने क्या किया, इस हाईस्ट कैंडल का लो ले लिया, यहाँ पे इस हाईस्ट कैंडल का लो ले लिया। लो लेने के बाद अब सबसे लोएस्ट कैंडल कौन सी हमारी? ये वाली ग्रीन कैंडल। अब इस ग्रीन का हाई ले लिया, मतलब मार्केट क्या कर रहा है, कोई पुल बैक क्रिएट कर रहा है। और सबसे हाईएस्ट कैंडल कौन सी हमारी अभी? ये वाली। इसका जैसे लो लिया तो पुल बैक हमारा क्या हो गया, यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब देखिए ये सारी इनसाइड है, इसको नहीं देखना, अभी सबसे लो ये था, इसका हाई भी सबसे ये है। इसका हाई ब्रेक हुआ, मतलब मार्केट क्या हुआ, यहाँ तक गया, उसके बाद मार्केट हमारा लो आया पहले यहाँ, फिर यहाँ से मार्केट आया ये लो। अब क्या करा है, सबसे डाउन कैंडल हमारा ये था, इस कैंडल का मार्केट ने जनरली आप देख सकते हो हाई लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट यहाँ से पुल बैक। और उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट कंटिन्यू डाउन है, किसी का भी हाई मार्केट नहीं ले रहा। इसका क्या मतलब है, मार्केट आपका कंटिन्यू यहाँ से डाउन की तरफ शूट हुआ है। यहाँ से मार्केट क्या हुआ, कंटिन्यू आपका डाउन की तरफ शूट हुआ है। अब बात आती है कि क्या मार्केट ने यहाँ से ये पुल बैक लिया है? जी नहीं, ये पुल बैक आपका नहीं है। अगर वही बात जैसे आपको अभी मैंने ऊपर डायग्राम में बताया, तो आप देख सकते हो सबसे लोएस्ट कैंडल हमारी है, इसका लो और इसका हाई हम मार्क कर लेते हैं। क्या किसी भी कैंडल ने इसका हाई लिया है? एकदम बिल्कुल सही तरीके से इसको ड्रॉ करना। ओके, क्या किसी भी कैंडल ने इसका हाई लिया है? तो जैसे कि आप देख सकते हो इधर किसी भी कैंडल ने इसका हाई नहीं लिया है। और पहले ही आपको बता दें, कैंडल चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, चाहे चार हो, कितनी भी कैंडल हो, अगर प्रीवियस कैंडल का हाई नहीं तोड़ रही है तो उसका कुछ भी मतलब नहीं है, कि आप लोगों के लिए ट्रैप है। तो ये आपका कोई भी पुल बैक नहीं है। आई होप आप सभी समझ रहे होंगे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। तो ये आपका कोई भी पुल बैक नहीं है। तो ठीक है, अब देखते हैं हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये आपका कोई पुल बैक नहीं, यहाँ से मार्केट क्या हुआ, सीधा डाउन आया। अब देखेंगे यहाँ से मार्केट डाउन आने के बाद सबसे लोएस्ट कैंडल कौन सी थी? ये वाली। इसका लो लिया इसने, अब देखिए इसका लो लेने के बाद क्या हुआ, सबसे डाउन कैंडल हमारा ये था, इस कैंडल का मार्केट में क्या किया, हमारा हाई लिया। तो ये क्या हो गया, हमारा पुल बैक की तरफ, आपकी तरफ क्या हो गया, पुल बैक क्रिएट हो चुका है आपकी तरफ। पुल बैक क्रिएट होने के बाद अब आते हैं हम डाउन।
का लोग थोड़ा जैसे तुम्हारा मतलब क्या है, मार्केट ने पुल बैक वापस नीचे की तरफ लगा लिया, मतलब मार्केट में क्या किया, पुल बैक वापस नीचे की तरफ ले लिया, और ऊपर भी जा सकता था कंटिन्यू, बट अभी क्या है मार्केट ने क्या किया, इसका लो ले लिया। इसका क्या मतलब है, मार्केट डाउन आया, किस कैंडल ने लिया लो, इस वाली कैंडल ने, इसका लो ले लिया। तो आप देख सकते हैं इसका हाई किसी ने नहीं लिया, इसका लो लिया, और इसका लो इस कैंडल ने लिया, इसका भी हाई किसी ने लिया, हाई से पे लो ही ब्रेक हुआ, तो ये लो था। अभी सबसे लोएस्ट पॉइंट हमारा कौन सा था, ये वाला हम लोगों का सबसे लोएस्ट कैंडल थी। तो इस कैंडल का जैसे ही कोई कैंडल हाई लेगी तो वहां से क्या हो जाएगा, हमारा एक पुल बैक वापस क्रिएट हो जाएगा। तो मार्केट ने क्या किया, हाई लगाया, हाई लगाने के बाद अगेन आप देख सकते हो ये सबसे हाईएस्ट कैंडल थी, क्योंकि तो लो लेने के बाद ये अब जा रहा था, अब जाने के बाद इस कैंडल का लो लिया तो मार्केट यहाँ आया, आने के बाद अब सबसे डीपेस्ट कैंडल ये थी, तो इसका हाई लिया, इसका भी हाई ब्रेक हो, तो ये अब इसका लो तोड़ेगा कोई तो ही आपका क्या होगा, डाउन ट्रेंड। तो मार्केट ने क्या किया है, ये डाउन आपका लगाया है, यहाँ पे डाउन लगाया, डाउन लगाने के बाद हम जनरली देख सकते हैं इसका ये हाई था, हाई के बाद दोबारा मार्केट एक बार नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यू शूट हुआ। शूट होने के बाद आप देख सकते हो ये कोई पुल बैक नहीं था, ये भी कोई पुल बैक नहीं था, बट इसका लो किसने तोड़ा, इस कैंडल ने इसका लो तोड़ा, इसका मतलब क्या था, ये हमारा एक पुल बैक यहाँ पे प्रॉपर वैसे क्या हुआ, क्रिएट हो गया हमारा क्या पुल बैक। मार्केट ने अब क्या करा, यहाँ से मार्केट हमारा आप देख सकते हो कंटिन्यू अप गया है, किसी भी कैंडल ने किसी का भी लो ब्रेक नहीं किया, आप देख सकते हो जस्ट हाई हाई ब्रेक हो रहा है, और पुल बैक के लिए आपको क्या चाहिए कि लो ब्रेक करे। अब मार्केट ने क्या था, ये हाई लगाया था, हाई लगाने के बाद हम इधर ध्यान से देखते हैं तो हमारी हाईएस्ट कैंडल ये थी, इस हाईएस्ट कैंडल का क्या करा, इस कैंडल लो ब्रेक कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ कि मार्केट ने पुल बैक क्रिएट कर लिया। ये जरूरी नहीं कि 10 कैंडल हो या एक एक कैंडल भी आपका पुल बैक हो सकती है, और कलर का कोई भी मैटर नहीं करता, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, कलर यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता है, बस मैटर क्या करता है कि प्रीवियस कैंडल का हाई एंड लो क्या होना चाहिए, ब्रेक। तो आगे बढ़ते हैं, अब सबसे डाउन कैंडल ये था, अब वापस मार्केट अप जा रहा है, वो कैसे जानेंगे, वो पता लगेगा क्योंकि डाउन कैंडल ये, इसका हाई ब्रेक होगा तभी मार्केट अप जा रहा है। तो आप देख सकते हो इसका हाई यहाँ ब्रेक हुआ, तो मतलब मार्केट क्या है आपका कंटिन्यू अभी अप है, अब मार्केट आपका यहाँ तक गया क्योंकि इसका हाई ब्रेक हो चुका है, और ये इनसाइडेड कैंडल, इससे हमें कोई मतलब नहीं, इसका लो तोड़ते ही मार्केट ने पुल बैक लेना स्टार्ट कर दिया, ये मार्केट का पुल बैक था। अब आप जान सकते हो कि मार्केट किस तरीके से हमारा मूव कर रहा है, आई होप आप सभी समझ रहे होंगे जो मार्केट का नजर है वो किस तरीके से हमारी मार्केट आपके सामने चल रहा है। तो इधर से देखेंगे ये लो था, लो का हाई लिया, हाई के बाद मार्केट अगेन नीचे आया, नीचे आया और मार्केट का ये लेवल था, उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर मार्केट हमारा कंटिन्यू यहाँ से आपकी तरफ ही शूट हो गया है। तो आई होप आप सभी समझ रहे हो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ये पुल बैक क्यों काउंट है, क्योंकि सबसे हाई इसका हाई ब्रेक किया है और इसका लो भी क्या किया है, स्कैंडल का ब्रेक हो चुका है, मतलब मार्केट ने क्या किया, ये यहाँ से इस तरीके से डाउन मूव लिया है। तो इसी के साथ हमारा जो आज का चैप्टर था वैलिड पुल बैक, आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। और देखिए अगर आप इसको पुल बैक में काउंट करेंगे, इसको इसको अगर आप पुल बैक में लोगे तो ये आपकी गलती है, एक कैंडल अगर बनता है तो ये नहीं, बट ये क्या इनसाइडेड कैंडल है, इसका ना हाई ब्रेक है ना लो ब्रेक हो, ये क्या है सब इनसाइडेड, यहाँ पे आपको ध्यान ही नहीं देना, आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ से मार्केट अगर मैं आपको बताता हूँ तो मार्केट किस वे में गया है, हमारा हमारा मार्केट गया है यहाँ से कुछ इस तरीके से, क्या है हमारा मार्केट सीधा अप गया है, मार्केट क्या हुआ हमारा यहाँ से सीधा अप गया है, यहाँ तक मार्केट क्या हुआ हमारा सीधा अप ही गया, मार्केट ने क्या किया सीधा एक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद अब मार्केट ने क्या किया इस कैंडल का लो तोड़ दिया। तो अगर इसका कोई कैंडल, ये वाली कैंडल इसका हाई तोड़ती तो हम लो किस कैंडल का देखते हैं, इस कैंडल का, बट ये कैंडल ने इसका हाई नहीं तोड़ा, तो सबसे हाईएस्ट कैंडल ये, और पुल बैक कब क्रिएट होगा जब इसका कोई लो तोड़ेगा, तो मार्केट ने क्या किया इसका यहाँ पे लो को ब्रेक कर दिया आफ्टर लो ब्रेक। बट अगर आप ध्यान से देखोगे अभी तक, देखिए यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ, क्या हुआ है मार्केट ने हाई तो लगाया बट इसका लो ब्रेक नहीं किया, तो अब पुल बैक कहाँ तक गया हमारा, अब यही चीज आपको ध्यान से देखनी है। देखो पुल बैक हमारा सीधा ऊपर गया, इसके बीच में झमेले में आप लोगों को नहीं पड़ना है, आप लोगों को डायरेक्ट देखना है जो मार्केट का वे वो क्या है। अगर आप लोगों को ये चीज सिंगल लेग में चेक करना आता है तो आपको क्या है इसमें फायदा क्या है, आप लोगों को पता रहेगा आपका डिसेंट फर्स्ट लो और हाई क्या होता है, आप लोगों को पता है कि उससे हमारा लो एंड हाई कंफर्म होता है, जब मार्केट क्या करता है हमारा सेल साइड या बाय साइड की इंटरनल की फर्स्ट लिक्विडिटी हंट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं इंड्यूसमेंट। तो इंड्यूसमेंट लेने के बाद ही आप लोगों का हाई एंड लो कन्फर्म होता है, बट अगर आप लोगों को वैलिड पुल बैक ही ड्रॉ करना नहीं आता तो उसको क्या मतलब है, आप लोग अपना वैलिड पुल बैक ड्रॉ नहीं कर पा रहे, तो इंड्यूसमेंट में क्या कर सकते हो आप लोग,
अपना वेल्थ ग्रो कर सकते हो। आई होप आप सभी समझ रहे होंगे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम। सबसे हाईएस्ट कैंडल कौन सी थी? ये इसका लो लिया मतलब मार्केट डाउन आया, फिर मार्केट हाई गया, ये सबसे हाईएस्ट थी, इसका लो लिया मतलब मार्केट अगेन डाउन आया, फिर उसके बाद मार्केट ने ये हाई लगाया। ये कैंडल हमारा कोई भी मैटर नहीं करती, मार्केट ने क्या किया यहाँ से सीधा एक हाई लगाया। अब इसकी तरफ मत देखिए, ये ऊपर नीचे आप डायरेक्ट देखिए क्या ये हाईएस्ट कैंडल थी, तो इसका लो देखिए और इसका हाई देखिए। किसी ने भी हाई एंड लो ब्रेक नहीं किया, इसका लो ब्रेक किया इसने, इसका मतलब क्या है मार्केट ने पुल बैक इस लेवल पे सीधा क्रिएट किया। आफ्टर पुल बैक क्रिएट मार्केट ने क्या यहाँ पे किस तरीके से गया मार्केट, इस तरीके से हमारा मार्केट यहाँ पे आया। आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, किस तरीके से आप लोगों को पुल बैक देखना है। ठीक है, ये चीजें आपको जरूरी आनी चाहिए कि हम पुल बैक को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अगर ये पुल बैक देखना ही आप लोगों को नहीं आया तो आप लोग क्या करोगे, गलती करोगे। तो ये चीजें याद रखनी है, अगर इनसाइडेड कैंडल है उसके चक्कर में आप लोगों को नहीं पढ़ना है, आपको जस्ट देखना है सबसे हाईएस्ट कैंडल। तो आपने देखी सबसे हाईएस्ट कैंडल ये, इस कैंडल का ना हाई तोड़ा ना इस कैंडल का लो तोड़ा। अगर पुल बैक चाहिए तो ये लो तो ब्रेक करना चाहिए, या इसने हाई भी ब्रेक किया होता तो सबसे हाईएस्ट कैंडल होती हमारी ये, तो इसका अगर कोई लो ब्रेक करता तो क्या होता हमारा जनरली पुल बैक क्रिएट होता, बट इधर कुछ भी नहीं हुआ तो मार्केट ने क्या किया सिंपल से। अगर आप इस पे ऐसे ड्रॉ करोगे और मान लीजिए कल मार्केट नीचे आता तो आप इसको क्या बोलोगे, इंड्यूसमेंट, बट ये क्या है, ये तो कोई पुल बैक ही नहीं है। और आप लोग क्या करोगे अपना हाई कंफर्म कर दोगे और इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलोगे, इससे क्या होगा आपका हैवी लूसेज हो सकते हैं, आप क्या करोगे गलती करोगे। तो ये चीजें याद रखने की, मार्केट को हमेशा सिंगल लेग में आप लोगों को क्या होना चाहिए चेक करना आना चाहिए। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। और इसी तरीके के अगर आपको डीपली नॉलेज वाली वीडियो सीखनी है या इसके एसेंशियल को प्रॉपर वे से लर्न करना है तो आप लोग हमारी मेंटरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, मिस्टर शैडो मेंटरशिप, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा कि किस तरीके से आप लोग हमारे मेंटरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में पिन किया मिला हुआ होगा। आई होप आप सभी को ये जो हमारा आज का चैप्टर था समझ आया होगा, एंड इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक था वैलिड पुलबैक यहाँ पे फिनिश होता है। हम मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट चैप्टर पे।